एक तरफ यूपी में योगी आदित्यनाथ के सामने गुंडे मवाली माफिया समर्पण कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर है महाराष्ट्र की, जहां उद्धव सरकार के राज में माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। उद्धव सरकार पर खुद वसूली के आरोप लगे हैं, जिसमें उद्धव के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख जेल में हैं। ऐसे में उद्धव सरकार की चारों तरफ आलोचना हो रही है। दरअसल महाराष्ट्र का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसमें सलमान भाई गैंग के नाम पर मारपीट हो रही है, वो भी दिन दहाड़े। न पुलिस का डर, न ही प्रशासन का। महाराष्ट्र के पुणे के धनकावड़ी से दिन दहाड़े गुंडागर्दी की ये वीडियो आई है। वीडियो में सलमान भाई गैंग के नाम पर कुछ लड़के लोगों से मारपीट करके इलाके में अपना खौफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शर्मनाक बात यह है कि इनका यह खेल कई महीनों से बालाजी नगर में चल रहा था, मगर पुलिस इनके विरुद्ध में FIR लिखने में विफल दिखी। वीडियो में सलमान भाई गैंग के लड़कों के हाथों में धारदार हथियार लिए देखा जा सकता है, और ये लोग आम लोगों को अपना पैर छूने पर मजबूर कर रहे हैं और फिर ऐसे ही वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं। रिपोर्ट के अनुसार खुलेआम गुंडागर्दी करने वाले इन युवकों पर पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है, और इसके पीछे का कारण यही था कि सामान्य जन इनके खिलाफ कुछ बोल नहीं पा रहे थे। पुणे के इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, एंटी करप्शन न्यूज।